से ऑक्सीजन निकलता है कि नहीं निकलता है, क्या कंडीशन है, उसकी सच्चाई मैं आपको तुरंत इसी वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ। उसको देखिए और अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा, और शेयर करिएगा इतना कि कम से कम जिलाधिकारी महोदय जो, और शेयर करिएगा इतना कि कम से कम जिलाधिकारी महोदय जो जो, जो यहाँ के जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं, कम से कम जिलाधिकारी महोदय तक कम से कम ये वीडियो जाए। और केवल मेडिकल कॉलेज खुलवाइए, झूठ मूठ का फीता कटवाइए, झूठ मूठ का उद्घाटन करवाइए, और मंत्री जी आएंगे फीता काट के देंगे। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ सच्चाई, अभी मैं सदर अस्पताल के बर्न वार्ड में हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए एक मरीज है, ये इनकी स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता है, हम लोग अभी आईसीयू में शिफ्ट करवाए, स्ट्रेचर भी नहीं था, एक ही स्ट्रेचर है, खोला जा रहा है, देखिए खुल गया, कहीं से ऑक्सीजन इसमें नहीं है, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए खुल गया, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन प्लांट है सदर अस्पताल मोतिहारी में, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लिख के, और उसको क्या किया गया था, राधा मोहन चाचा के द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो ये उद्घाटन उद्घाटन में ही रह गया था। और आज इस ऑक्सीजन प्लांट की जो सच्चाई है मैं आपको दिखाने का काम करूँगा, ऑक्सीजन प्लांट की क्या सच्चाई है वो आज मैं दिखाने का काम करूँगा। आइए इधर, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह बंद है और यहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल रहा है, और ये जो ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल रहा है इस पर निश्चित और निश्चित रूप से सभी लोग, क्योंकि फीता कट चुका है, अखबार में छप चुका है, लोगों को बता दिया गया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है कि नहीं निकलता है, क्या कंडीशन है, उसकी सच्चाई मैं आपको तुरंत इसी वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ। उसको देखिए और अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा, और शेयर करिएगा इतना कि कम से कम जिलाधिकारी महोदय जो जो, जो यहाँ के जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं, कम से कम जिलाधिकारी महोदय तक कम से कम ये वीडियो जाए और वो इस संज्ञान में ले, और अगर यह प्लांट बैठा है तो यहाँ के लोगों की सेवा के लिए बैठा है, मरीजों की सेवा के लिए बैठा है, और उन गरीबों की सेवा के लिए बैठा है जो गरीब 400 रुपये 500 रुपये घंटा ऑक्सीजन का कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में देने के लायक नहीं है। या उन लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है जिनको आईसीयू का खर्चा 2200-2500 रुपए पर डे देने की कैपेसिटी नहीं है, वैसे गरीब जो बूथ पर भाजपा को वोट देने के लिए, एनडीए को वोट देने के लिए बूथ पर मार तक कर लेते हैं, अपने पर्दारी में जो झगड़ा तक कर लेते हैं ऐसे ऐसे नेताओं के लिए, और वही नेता क्या क्या दिखावा करने का काम करते हैं। अगर ऑक्सीजन प्लांट अगर यहाँ पर उद्घाटन हुआ है तो हमने बधाई भी देने का काम किया था, अगर आज यह नहीं चल रहा है तो मैं विरोध भी करने का काम करता हूँ, और विरोध भी मैं कर रहा हूँ, अगर यह मांग कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर जिलावासियों के लिए अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगा है तो यह चलना चाहिए और ऑक्सीजन की सप्लाई होना चाहिए, और ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा उसकी सच्चाई मैं तुरंत आपको दिखाने का काम कर रहा हूं, चल रहा हूं। मैं वीडियो क्यों बनाता हूं, वीडियो किसके लिए बनाता हूं, वीडियो बनाने की जरूरत क्यों है, ऐसे ऐसे चीजों के लिए आपको इस आगे इस वीडियो में देख के पता चल जाएगा कि मैं वीडियो क्यों बनाता हूं। मैं पागल हूं कि आपके लिए, आपके काम करने के लिए, और आपके आप लोगों के हक और अधिकार के लिए खड़ा रहने के मैं वीडियो बनाता हूं, आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद। आइए, मैं ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया था, ऑक्सीजन प्लांट और चालू भी किया गया था और सप्लाई भी हो रहा था, लेकिन महज फोटो खिंचवाने और अखबार में छपवाने तक का ही न्यूज रहा था। ये मैं नहीं कर रहा हूँ सच्चाई, अभी मैं सदर अस्पताल के बर्न वार्ड में हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए एक मरीज है, ये इनकी स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता है, हम लोग अभी आईसीयू में शिफ्ट करवाए, स्ट्रेचर भी नहीं था, एक ही स्ट्रेचर है पूरे सदर अस्पताल मोतिहारी में, मात्र एक स्ट्रेचर है, ये पोस्टमार्टम साइड में गया था, वहां से जब काम होकर के आया तब इनको हम लोग लेके जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का जो खोला जा रहा है, देखिए खुल गया, कहीं से ऑक्सीजन इसमें नहीं है, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, इधर आइए, इधर आओ बाबू, इधर आओ, यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए खुल गया, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसको खोल के दिखाइए तो, उसमें ऑक्सीजन है, दिखाइए तो, नहीं है, उसमें भी नहीं है, कहीं इसमें होगा, कहीं इसमें ऑक्सीजन होगा, नहीं, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग उनको उठा के रखिए उस पर, अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये स्थिति आपको देख लीजिए, सदर अस्पताल मोतिहारी का ये बर्न वार्ड है, और बर्न वार्ड में किस तरह के मरीज शिफ्ट होते हैं, किस तरह मरीज रखा जाता है, ये आप सभी को पता है, ये सिचुएशन ऐसा है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, यही मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा यह प्रश्न है कि ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर देने से केवल होता है क्या, और आज मरीज यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है आईसीयू में, हम लेके जाने का काम कर रहे हैं, वहाँ सिलेंडर वाला ऑक्सीजन मजबूरी में इसको लगाने का हम लोग काम करेंगे, वहाँ व्यवस्था करके तब यहाँ पे हम आए इनको लेके जा रहे हैं आईसीयू में। केवल मेडिकल कॉलेज खुलवाइए,
झूठ मूठ का फीता कटवाइए, झूठ मूठ का उद्घाटन करवाइए और मंत्री जी आएंगे फीता काट के देंगे और प्रभात हिंदुस्तान दैनिक जागरण सारा अखबार में छपता है और वह छप के ही रह जाता है, उसके बाद कोई मौका नहीं है। कंडीशन ये है, क्या है आपका भविष्य और क्या है ऐसे ऐसे भविष्य ऐसे ऐसे नेताओं को चुनने का सामने आपके देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और सत्ता में जो लोग हैं उनको उनके भरोसा पर वोट देने का काम करते हैं और उस वोट का क्या उपयोग हो रहा कर रहे हैं यहाँ के सांसद मंत्री और नेता और विधायक, देख लीजिए आप लोग। यही मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ और वो भी प्लांट मैं भी तुरंत अब दिखा रहा हूँ आपको चल के कि जिस प्लांट को केवल कागज में वो प्लांट चल रहा है और ऑक्सीजन आपके सामने है कि सदर अस्पताल कहीं भी ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, आप लोग देख लीजिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, कहीं भी देख लीजिए कहीं भी किसी भी पाइप में ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, किसी बेड को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। ये है सच्चाई सदर अस्पताल मोतिहारी। दो घंटा से आज अभी तक कोई अभी डॉक्टर देखने तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। यहाँ दो घंटा से सर एडमिट है लेकिन अभी कोई देखने तक नहीं आया, मतलब यहाँ पे अभी जो सदर अस्पताल मोतिहारी दो घंटा से लेकिन कोई देखने तक नहीं आया, जो गए थे बोले उनको जी भी नहीं आया जी नहीं। ये सदर अस्पताल मोतिहारी की सच्चाई है और